नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिक्स ज्ञान ऑफिशियल में। आज हम आपको सनी लियोन के बारे में कुछ अमेजिंग और अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे। सनी लियोन का जो रियल नेम है वो है करणजीत कौर वोहरा, और उसका जो जन्म हुआ था वो 13 मई 1981 में टोरंटो कनाडा में हुआ था। सनी लियोन बचपन से ही एक एनर्जेटिक और एक गुड एथलीट थी। वो लड़कों के साथ स्ट्रीट में हॉकी खेला करती थी। उनके फादर और मदर ने उनको एक कैथोलिक स्कूल में डाला था। वो उसको पब्लिक स्कूल में इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि वहाँ पे वो अनसेफ थी। इन द एज ऑफ 30 सनी लियोन और उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में मूव हो गई। उसकी अर्ली लाइफ, अब बात करते हैं उसकी पोर्नोग्राफी करियर पर। सनी लियोन ने एज ऑफ 11 में अपनी पहली किस की थी, और उसने 16 साल की एज में अपनी वर्जिनिटी लूज की थी एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ। और 18 साल की उम्र में ये पता चला कि सनी लियोन एक बायोसेक्सुअल है। जब वो पॉर्नस्टार बनने के लिए ऑडिशन देने गई तो उसने अपना नाम सनी बताया, और उसका जो लियोन नाम पड़ा वो एक पेनस्टार मैगजीन का ओनर था, उसने उसको लियोन नाम दिया था। 2005 में उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विविड एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ, जिसमें उसने हार्डकोर पोर्नोग्राफी करनी थी और उसमें लेस्बियन सीन दिखते थे। और उसकी पहली मूवी सनी 2005 में ही रिलीज हुई थी, और उस मूवी ने एवियन अवार्ड जीता था। मई 2007 में सनी लियोन मेल एक्टर के साथ पोर्न मूवी शूट करने के लिए तैयार होगी, और उसने मैट एरिक्सन नाम के साथ अपनी पहली मूवी लव्स मैट शूट की, जो कि एक मेल एक्टर के साथ थी। और जनवरी 2008 में उसने जो है एरिक्सन के साथ मूवी शूट करना बंद कर दिया, और उसने जो है 3 अलग मेल एक्टर के साथ जो है पोर्न मूवी शूट की, जिनका नाम था टॉमी गन, चार्ल्स डेरा, जेम्स डीन एंड वुडू। उनकी जो लास्ट मूवी थी अंडरस मी विविड एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ थी डैनियल वेबर के साथ। के साथ ही उसने आगे चलकर शादी कर ली, और शादी से पहले 2009 में उसने अपना खुद का स्टूडियो खोला जिसका नाम था सनलस्ट पिक्चर, और उस स्टूडियो में उसका पार्टनर था डैनियल वेबर। चलिए अब आते हैं उसके बॉलीवुड करियर पे। सनी लियोन में अपना फर्स्ट बॉलीवुड करियर एमटीवी अवार्ड के साथ स्टार्ट किया था, जो कि इंडिया में हुआ था, और उसमें उसने रेड कारपेट पे रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी 2005 में। उसके बाद उसने द गर्ल नेक्स्ट डोर में एक कैमियो रोल किया। बॉलीवुड में काम करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि बॉलीवुड ही उसके लिए सीरियस करियर है। सनी लियोन का बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर आमिर खान है। 2011 में उसने बिग बॉस 5 में पार्टिसिपेट किया, के बाद उसे इतनी लाइमलाइट मिली कि 2 दिन में उसके ट्विटर अकाउंट पर 8,000 फॉलोअर बढ़ गए। बट बॉलीवुड में उसके थोड़ी सी अड़चने आई। बिग बॉस में कलर चैनल वालों पर एक कंप्लेंट लॉन्च की गई इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, कलर चैनल वाले पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं। बट उस चीज़ को ना देखते हुए महेश भट्ट, जो कि एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर हैं, उसने सनी लियोन को अपनी फिल्म जिस्म टूम में लीड रोल देने का फैसला किया, और उसने बॉलीवुड में कदम रखा 2012 में अपनी फिल्म जिस्म 2 के साथ। उसके बाद उसने एक और मूवी साइन की जिसका नाम था रागनी MMS। 2014 में सनी ने रागनी MMS का सीक्वल साइन किया जिसका नाम था रागनी MMS 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट गई थी। और सनी लियोन की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में बहुत ही चर्चित में रही थी। उसके बाद सनी लियोन ने हिट आइटम सॉन्ग दिए, जिसका एक का नाम था बेबी डोल मैं सोने दी, और एक था लैला मैं लैला, जो कि शाहरुख खान की मूवी रईस में आया था। लियोन का करियर यहीं पे नहीं रुका, उसके बाद उस पर एक बायोपिक बनी जिसका नाम था करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन, जो कि एक वेब सीरीज थी और G5 के द्वारा शूट की थी, और ये 16 जुलाई 2018 में रिलीज हुई थी। इस स्टोरी में बताया गया था कि मिडिल क्लास से लेकर इंडिया की मोस्ट सर्च्ड ऑन गूगल एक्ट्रेस वो कैसे बनी। जुलाई 2017 में सनी लियोन उसके हस्बैंड डैनियल वेबर ने महाराष्ट्र एक बच्चे को अडॉप्ट किया, और उस बेबी गर्ल का नाम रखा गया निशा कौर वेबर, जो कि 21 महीनों की थी। मार्च 4, 2018 में सनी और उसके हस्बैंड वेबर ने 2 और बच्चों को अडॉप्ट किया, जो कि लड़के थे, और उनका नाम रखा गया ऐशर सिंह वेबर एंड नोह सिंह वेबर।
एक्टिंग, पोर्नोग्राफी, इन सब के अलावा सनी एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। उसने केरला में जब फ्लड आया था तो उसने काफ़ी चीज़ें डोनेट की, उसने काफ़ी फंडिंग की, फंडिंग में जो है सरकार की मदद की। अब बात करते हैं उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सनी लियोन एक पंजाबी मूवी जट एंड जूलियट का रीमेक बनाने जा रही हैं, जो कि उसमें उसके साथ उसके को एक्टर होंगे मनीष पोल, जो कि 2019 में रिलीज़ होगी। ये थी सनी लियोन के बारे में कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बातें और अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।